Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. Sorry for my voice because मेरे को थोड़ा सा nose congestion है. So आज मैं आप लोगों के साथ में share करने वाली हूँ एक बहुत ही random Amazon haul. बहुत ही basic चीज़ें मैंने मंगवाई हुई है. I'm sure इनमें से कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो होगी जो आपके काम आ ही जाएगी. इस products में आपको एक छोटा छोटा सा review भी दे दी जाऊंगी. So yeah, without further ado, let's just get started with the video. आते हैं सबसे पहले तो सबसे first product पे. So basically ना, I really love to wear लूज बैगी टी शर्ट्स. पहली टी शर्ट जो मैंने मंगवाई ना, ऐसे मैंने बेसिक चार कलर में टी शर्ट्स मंगवाई है. तो एक तो ये मैं पहन करके बैठी हुई हूँ. अमेजिंग अमेजिंग टी शर्ट है. फैब्रिक बहुत अच्छा है. दिस इज इन द स्मॉल साइज बट ये वो है बैगी पैटर्न में है. तो यू नो कम्फर्ट बहुत अच्छा है. दिस इज द साइज ऑफ दिस टी शर्ट. मतलब इनफैक्ट इफ यू वेयर दिस विद शॉर्ट्स भी ना, तब भी ये बहुत स्मार्ट लगने वाली है. नाउ इसमें मैंने कुछ अलग अलग कलर्स मंगवाए हुए हैं. एक तो जो कलर है वो ये है, रेड कलर है. मेरे पास एक रेड कलर की ऑलरेडी टी शर्ट है बट ये थोड़ा अलग सा रेड है. कलर मतलब ये दो दो के पेयर में आती है. दिस इज द कलर, दिस इज द ग्रे कलर. बहुत ही बेसिक ग्रे, सब प्लेन है. किसी में भी कुछ सॉलिड कलर्स हैं. मुझे ऐसे सॉलिड कलर्स की टी शर्ट्स ही पसंद आती है. दूसरा जो है वो ऐसे बेबी पिंक टाइप का कलर है. दीज फोर आर द कलर्स. और भी काफी सारे कलर्स जैसे पिंक एंड पर्पल का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन. अकॉर्डिंगली आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं जो भी आपको पसंद आता हो. उसके बाद जो नेक्स्ट मैंने चीज मंगवाई, मैं पहन के बैठी हुई हूँ, उनको निकाल देती हूँ. ओके, सो दीज आर द स्लिपर्स जो मैंने घर में पहनने के लिए मंगवाई है. स्लिपॉन्स ये बाटा के है एंड इनके जो ब्रांड का नाम है वो बाटा ने फ्लोट्स पैटर्न के निकाले. बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. मतलब मेरे मुंबई वाले घर में भी जो घर में पहनने के स्लिपर्स है वो यही है, बाटा की फ्लोट्स ब्रांड की. एंड मुझे यहाँ के लिए भी एक चाहिए थी तो मैंने ये मंगवाई है. अमेजिंग है. एंड दूसरी चीज़ है, ये थोड़ी गंदी हो रही है, आई एम रियली सॉरी. दूसरी चीज़ ये है कि ये नॉन स्लिपरी है, मतलब स्लिप नहीं होती है. सो इफ यू आर समवन लाइक मी जो चलते फिरते कहीं भी भिड़ जाता है, गिर जाता है, स्लिप हो जाता है, तो उन लोगों के लिए तो एकदम बेस्ट है ये. पानी वानी पड़ा हो तो आप स्लिप होने का डर नहीं रहता है. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मामाअर्थ का लिप बाम. तो मैंने दो लिप बाम्स मंगवाए वैसे तो, एक तो ये मंगवाया है, एक ये मंगवाया है. तो अभी मेरे पास मामाअर्थ के जो लिप बाम है वो लास्ट ईयर में बस काफी सारे आए थे. मैंने आधे से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. जो बचे कुछ थे वो मैंने सब यूज करके खत्म कर दिए. सो आई रियली नीडेड अ लिप बाम. नाउ मुझे एक तो ये इनिसफ्री का, दिस आई रियली रियली लव दिस प्रोडक्ट. और दूसरा ये है मामाअर्थ का. दिन में लगाने के लिए मैं ये यूज करती हूँ बिकॉज आई रियली लाइक, मेरे लिप्स पे थोड़ा सा टिंट होता है तो फेस थोड़ा अच्छा लगने लगता है. एंड रात में लगाने के लिए मेरे ये लगाया हुआ है. सो दिस इज लाइक अ लिप टिंट प्लस लिप बाम, आप इसको ऐसे बोल सकते हो. एंड इसको आप बोलोगे लिप बाम प्लस लिप केयर. बिकॉज आप जब रात में लिप्स पे लगा के सोते हो ना, आपको आपके लिप्स बहुत सॉफ्ट सपल एंड ट्रीटेड लगेंगे. मतलब आप लगेगा ही नहीं कि आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं. एंड अगर आपको बहुत ज़्यादा चैप लिप्स की प्रॉब्लम है तो आप दिन भर इसको लगा के रख सकते हो. इट्स दैट ग्रेट प्रोडक्ट. थोड़ा एक्सपेंसिव आता है बट अमेजिंग है. मतलब आप 100 तरह के लिप बाम ट्राई कर चुके होंगे बट मेरे रिकमेंडेशन पे एक बार इसको ट्राई करना. दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट. नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. सो मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखे थे कि ये मैग्नेटिक आई लैशेज. बड़ी फैसिनेट होती थी कि यार वाह अमेजिंग प्रोडक्ट है, ये है वो है. चलो क्योंकि होता है यार, मेकअप करते ना तो लैशेज लगाने में बहुत दिक्कत आती है एंड फटाफट लग जाएगा. अब मैंने आज इसको ट्राई करके देखा. कल ही आए थे मेरे पास तो मैं आज एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि वीडियो बना रही हूँ तो मैं यही लगा के बैठ जाती हूँ. मैंने एक तरफ लाइनर लगाया और इसको लगाने की कोशिश करी बट ये स्टिक नहीं हुआ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. सो मे बी मैंने बहुत थिन लाइनर लगाया था, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज मैंने इसके जितने भी वीडियोज़ देखे ना, लोगों ने अच्छे ही रिव्यूज़ दिए हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ का है ही नहीं. तो माइट बी पॉसिबल कि मैं गलत तरीके से लगा रही हूँ. मैं इसको एक दो बार ट्राई करूँगी, थोड़ा थिक लाइनर लगा करके लगाने की कोशिश करूँगी और फिर आपको रिव्यू दूंगी कि वर्क करता है कि नहीं करता है, किसी व्लॉग में बता दूंगी. बट हाँ, इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाए थे, ये मंगवाया है प्रेस ऑन नेल्स. आपको इसके नेल्स थोड़े खाली दिख रहे होंगे बिकॉज मैंने यूज़ कर लिया है. मैंने आई थिंक अपने ब्लॉग में बताया कि नहीं बताया बट माय टू थ्री फ्रेंड्स आर गेटिंग मैरिड. अभी नवंबर में ही शादियां हैं तो मैंने सोचा कौन एक्सटेंशन करवाए क्या करवाए, तो आई थॉट कि मैं ये बुक कर लेती हूँ. रिसेंट साइज में आए हैं कि मैं यूज़ कर चुकी हूँ वो वाले आपको दिखा रही हूँ. इसके साथ में एक स्टिक ऑन इस तरीके की स्लिप आती है, ये आता है सिलिकॉन का होता है, आई डोंट नो किस चीज़ का होता है. बट इसको आपको आपके नेल पे लगाना होता है और उसके ऊपर आपको वो जो प्लास्टिक वाला एक्रेलिक वाला नेल है ना, ये जो है ना एक्रेलिक नेल है, ये आपको लगा लेना होता है. और लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है, दिखाती हूँ. ये देखिए, ये ऐसा दिखता है. इसके जो स्टेइंग पावर है ना वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा बेकार है. मतलब आप सिर्फ तभी लगा सकते हो. मैं सोच रही थी कि दिन भर चल जाए बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने बस लगाया और इवेंट से आने के बाद आई हैव टू रिमूव इट बिकॉज वो एक तो मेरा इवेंट में ही निकल गया था. कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बाटा की दीज स्लिपर्स. सो काफ़ी अमेजिंग स्लिपर्स हैं. आई गॉट इट फॉर माई मम्मी. एक्चुअली उनके जो बाहर पहनने वाली स्लिपर है वो पूरी
चीड़ फाड़ हो चुकी थी उसकी. दिस इज द फुटवेयर. मेरी मम्मी का और मेरा साइज ऑलमोस्ट सेम ही है, तो उनके स्लिपर्स मैं भी पहन लेती हूँ और मेरे वो पहन लेती हैं. सो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई. ऑल द थोड़ा सा इनका लुक मतलब मम्मियों वाला ही है, बट स्टिल दे आर सो कम्फर्टेबल. इस तरीके की दिखती है. पीछे का जो सोल है ना, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग. नॉन स्लिपरी है एंड बहुत अमेजिंग क्वालिटी है. नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल कॉटन का सूट सेट. इसका बॉटम प्लाजो है एंड इसका कुर्ता बताती हूँ. दिस इज इन द अनारकली पैटर्न. ये ना अनारकली पैटर्न में है. ये इसका नेक है. दिस इज द नेक. यहाँ पर आप देखेंगे ना पास से तो गोटा पत्ती का काम किया हुआ है और स्लीव्स पे भी इनने गोटा पत्ती का ही काम दिया. जब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक वेरी वेरी प्रिटी सेट. नॉर्मल पूजा ऊजा है, अगर आपका कभी ऐसी सूट पहनने का मन हो रहा है तो आप डेफिनेटली इसको कैरी कर सकते हैं. मुझे तो काफ़ी स्मार्ट लगा. सो ये है मेरा नेक्स्ट पीस. उसके बाद जो लास्ट टी शर्ट है, सो दिस इज द टॉप. काफ़ी प्रिटी सा कलर है, एकदम नियॉन चटक ऑरेंज. इस ब्रांड की मैंने एक टी शर्ट मंगवाई थी पर्पल कलर की, जो कि बहुत अच्छी आई थी. वॉश होने के बाद जब फैब्रिक की जो असली क्वालिटी आती है ना, तब पता चलता है कि उसका फैब्रिक कैसा है. तो ये भी उसकी जो टी शर्ट थी वो वॉश होने के बाद और प्यारी हो गई थी, सॉफ्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा. तो मुझे इस तरीके के फैब्रिक पसंद आते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट. दिस इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक्स है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप चेक कर सकते हैं. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.